शाश्वत आदि अमृत आदि व्यापकता आदि सत्यता आदि प्राप्ति होती है उस कथा का नाम है अमर कथा। तिचंच आउतो की वो कथा सुनाना पर शर्त यह है कि जिसले मैं कथा सुनानी तो तू मुंह ना भरना जिसले कथा समझ आ रहा तक ना हां जी आप ये असर करना ओ ओ नहीं समझ आवे तो मैं कुछ ही नहीं रहा पर जे तू पूरा नहीं भरया तो फिर मैं कथा बंद कर ही दूंगी। ठीक है शिव जी महाराज ने इतने जिते अमरनाथ गुफा जिसे अस आखने उत्थे कथा सुनाई ही त्रै तालियां बजाइया जिहड़े अनाधिकारी जीव ही नसी गए राम कथा सुंदर करतारी संचे बिगड़ बिंग उड़ावन हारी बाकी दे सारे उतरी है जो पशु पक्षी है नसी गए पर एक तोते दा एक तो अंडा उधर विच बच्चा उस बार ताड़ी बजाई है कुछ तो ये थे बाहर आ गया और उस तोता कौन है तोता जरा बाहर आया अंडे जा पिछले जन्म दे विच ओ राधा दा शिष्या ते राधा ने सोचा भी इहदी मुक्ति दे बाबर की कथा हो गई कि यह तोता उठे पुजिया कि मुक्ति हुई जा इस बस का मन उतोता राधा कथा स्नान पार्वती सुने बया नाता वह रस आवै बाबा आखा बेटी सुनाई जा रही कथा कथा बंद हुई जाए थोड़ा थोड़ा तोता भी मनुखिया लेखा बोलता है तो पार्वती की जगह वो तोता लगी इसलिए अखा लौड़िया ते माता पार्वती कराने महाराज है पर उनकी सुती है शिव जी महाराज आखा नहीं है तो कराने महाराज कहते फिर हम कथा कौन सुनी है जे ओम कौन आखा था अपनी सरबज्ञता रिपोर्ट खोलिया जिस वेले ते पता लगा वो तोता शिव जी महाराज ने सोचा इसने कथा की चोरी की है कई लोग कहते इतने भी सुनवा लाए ये पढ़ना है इन कथा की चोरी की शिव जी महाराज ले गया त्रिशूल तो मगर लगे वो बद्री नारायण उड़ी है बद्री नारायण चली गई सरस्वती नदी कंडे पर महर्षि वेद व्यास जी की धर्म पत्नी नहाई है बाल सुखा कर उस जगह पर भी सारी कथा हुई सत दिन की बद्री नारायण तोते की रूह जब तोता प्रवेश करी उनके थूमा च वेद व्यास जी धर्म पत्नी ने शिव जी महाराज आए थे आते हुए व्यास जी हमारा एक चोर ना आज श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह हमारे परम पूजनीय आदरणीय संत श्री सुभाष शास्त्री जी ने रखा है जी उनका गृह अपना गांव भी है और इसका जो मेन उद्देश्य हमने रखा है कि भारत में विश्व में शांति हो और हम धर्म के प्रावत से कैसे सबको मिल के रखें सबको जोड़ के रखें हमारा हिंदू धर्म एक हो हमारा हिंदू धर्म बाकियों का उत्थान करने के लिए रखें और हमारी जो कोरोना की वजह से जो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें भी हमारे पूजनीय सुभाष शास्त्री जी का एक उद्देश्य था कि इस तरह के कार्यक्रम से सबका उद्धार होगा और इसका मेन जो मकसद है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सबका उद्धार हो हिंदू धर्म मजबूत हो और हिंदू धर्म जब मजबूत होगा तो ये सबकी कामना सबके उद्धार के लिए काम करेगा। हमारे साथ पूरे दबलहैड के हमारे सारी बरादरी हमारे सारे गांव के बासी जिसमें सारी कौमों के लोग ने मिल के ये हमारा श्रीमद् भागवत जी का जो सप्ताह है ये एक हफ्ता चलेगा हर दिन भंडारा होगा और आखिरी दिन एक भव्य भंडारा जहाँ होगा और सबसे हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और जहाँ का और सम्मान बढ़ाए। तो हमारे आज श्रीमद् भागवत जी की कथा का आरंभ हुआ है जो हमारे पूजनीय सुभाष शास्त्री जी कर रहे हैं। आज एक बसंत पंचमी है आज के दिन सरस्वती माता का इस सृष्टि पर आगमन हुआ था इसलिए आज गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं आज चौथा नवरात्रा है गुप्त नवरात्रा इसलिए जो भी भगवान की कथा आकर के गांव के लोग या कोई बाहर के लोग भी आकर के सुनेंगे इस भव सागर को पार हो सकते हैं।
बोलिए भगवान कृष्ण भगवान की जय।